हे गाइस, क्या आप अपने विंडोज़ 10 की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर विंडोज़ 7, ये सब भी चलेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊंगा, तीन सॉफ्टवेयर जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो आपके स्क्रीन को, वो भी बहुत इजीली। सो सारे तरीके फ्री में रहेंगे और सारे एप्लीकेशन के डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस देख सकते हो, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन, उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। और अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उसको ऑन करते कैसे वो सब आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन वो सब का मैं स्क्रीनशॉट्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो जिससे आप इजीली कर सकते हो। देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर जो मैं दिखा रहा हूँ, तो सारे सॉफ्टवेयर के जैसे कि लिंक मैं आपको बोल दिया, यहाँ पर देख सकते हो नीचे ऐसा कुछ आएगा, आप इंस्टॉल कर दोगे तो उसमें लास्ट में जो बटन है रेड कलर का, उस पर आप क्लिक करोगे, बाद में आपको एक और मतलब आ जाएगा एक स्क्रीन नीचे साइड में, वहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितना आपको रिकॉर्ड करना है। तो देख सकते हो गाइस ये नीचे साइड जो आया है वहाँ पे आ जाएगा, फिर से आपको रेड बटन पे क्लिक करना है और आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा 1 2 3 के काउंट में। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजीली आपको मिल जाएगा, इसका भी डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद सेकेंड ट्रिक है गाइस, आपके खुद के विंडोज़ 10 में एक्सबॉक्स होता है, एक्सबॉक्स में एक स्क्रीन कैप्चर करके हमें मौका दिया जाता है कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो आप। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर जो आइकन है ट्रॉफी का, ट्रॉफी के नीचे वाले आइकन पर है, तो इससे मैंने एक क्लिप पहले से रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले चाहते हैं कि ये कैप्चर का जो आइकन है, देख सकते हो ये जो अभी जिधर मेरा आया है उधर कैप्चर का है, तो ये देख सकते हो मैं वन प्लस की वेबसाइट विजिट गया था मैंने, तो उसका रिकॉर्ड करके रखा था मैं। तो फटाफट आपके ऐसे प्ले करके दिखाता हूँ और इसको कैसे करते हैं वो सब भी बता देता हूँ। सो इसके लिए आपको विंडोज़ के साथ जी को प्रेस करना है, विंडोज़ प्लस जी, तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एक्सबॉक्स है उसको आपको बैकग्राउंड में रखना है, तभी ये काम करेगा। और इसका एक मतलब डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आप अभी कुछ एक वेबसाइट विजिट करो, एक एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही रिकॉर्ड होगा। जैसे कि अभी मैं क्रोम सर्व कर रहा हूँ तो क्रोम को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम ही पूरा रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं क्रोम से हट जाऊँगा तो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो ये सब को आप इधर अपना जो आइकन रहता है नीचे साइड, वहाँ से भी जाके बंद कर सकते हो। देख सकते हो गाइस अभी मैं आपको विंडोज़ प्लस जी करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग चालू है, तो ऐसे नहीं होगा। सो आप बस वो क्लिक कर देना, बाद में आपको आइकन आएगा और आइकन को क्लिक करके जैसे कि वो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन में कैसा आया था सर्कल रिकॉर्ड का, वैसे ही सर्कल आता है इसमें भी। सो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हो नीचे से, जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको सबका ये प्रोसेस है अगर आपको क्लोज़ करना है कोई भी। सो ये भी अच्छा टेक्निक है, जैसे कि मैंने इसका यूज़ करके, इसका भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है बहुत सिंपल है और MP4 फॉर्मेट में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट रहता है वो MP4 नहीं रहता है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं हैंडब्रेक करके यूज़ करता हूँ। सो देख सकते हो गाइस इस तरीके से मैंने जो अभी रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे आ गया आईफोन का। सो ये भी अच्छा तरीका है जिससे आप फ्री में आपके विंडोज़ स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन का आप रिव्यू दे रहे हो या फिर आप क्रोम से कोई वेबसाइट का बता रहे हो, सो वो सब कर सकते हो आप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉप करने के लिए वो तरीका है, तो ये था जो मैंने विंडोज़ प्लस जी मेरे एक्सबॉक्स में रिकॉर्ड किया था। तो ये क्लिप मैं थोड़ा फटाफट दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल ऐप है, उसका भी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी देख सकते हो ये क्लिप जो मैंने बोला आपको। सो अभी थर्ड ट्रिक पे चलते हैं, ये फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर करके एक एप्लीकेशन है जिसका मैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देख सकते हो गाइस इस तरीके से जो आइकन आ रहा है उस पर आपको बस क्लिक करना है और रिकॉर्ड आपको एक बॉक्स आ जाएगा, आपको बोलेगा कितना स्क्रीन आपको रखना है। सो ये जो भी अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है उसके थ्रू ही हो रहा है। सो बहुत सिंपल है, सबको आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद आप इजीली यूज़ कर सकते हो। सब कुछ बेसिक है, सब कुछ फ्री है। सो सिंपल था गाइस, तीन तरीके से आप अपने विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 जो भी रहेगा आपके पास उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन एंड फाइनली थैंक्स फॉर